मेरे घर में हर तरफ हड़बड़ी मची हुई थी। हर कोई परेशान था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मेरे घर वाले तो घर वाले मेहमान तक परेशान थे। हर कोई अपनी राय दे रहे थे। मैं एक कोने में गुमसुम और चुपचाप बैठी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये सब कुछ हमारे साथ ही होने को रह गया था। आज ही तो मेरी शादी हुई थी और कल मेरे ससुराल वाले मुझे और दहेज का सामान लेने आने वाले थे। लेकिन अब ये कैसे हो सकता था? क्या वो मुझे बिना दहेज के अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाते? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे, जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मेहमानों में से किसी ने कहा कि कम से कम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट तो लिखवा दीजिए। पापा तो पुलिस स्टेशन जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन भाई ने पापा को समझाया कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए, तो पापा ने उनकी बात मान ली। लड़के हमारे घर हुई वारदात के बारे में बता दिया। वो लोग कुछ देर में ही घर आने वाले थे। मेरे भाई ने कहा, जब तक वो लोग हमारे घर आते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आ जाते हैं। फिर मेरे पापा और भाई पुलिस स्टेशन चले गए। मेरे ससुराल वाले हमारे घर आ गए थे। पापा और भाई अभी तक पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आए थे। पता नहीं अब क्या होगा। मेरे ससुराल वाले मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार भी होंगे या नहीं? जब पापा और भाई वापस आए तो मेरे ससुर जी मेरे पापा से बहुत ज़्यादा अफसोस जताने लगे। ये सब कुछ आखिर कैसे हो गया? मेरी सास कहने लगी, आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। अब हम अपनी दुल्हन को खाली हाथ कैसे घर ले जाएं? लोग क्या कहेंगे कि पता नहीं कौन से खानदान से लड़की की शादी कर दी, जो लड़की के माता पिता ने उसे कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ रुखसत कर दिया। मेरी सास की ये बातें मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे भाई और भाभी की हालत भी कुछ अच्छे नहीं थे। मेरे पापा ने मेरे ससुर के सामने हाथ जोड़कर विनती की, कहने लगे कि मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मेरी बेटी की आपके बेटे के साथ शादी हो चुकी है। अगर वो विदा होकर ससुराल नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो मेरी बेटी को ताने देकर जीते जी मार डालेंगे। लोगों को हमारे घर के हालात नहीं दिखेंगे, लेकिन मेरी बेटी में ही कमियां नजर आएंगी। पापा ने अपनी पगड़ी उतारकर मेरे ससुर के पैरों में रख दी, कहने लगे कि मेरी इज्जत बचा लीजिए। मेरे ससुर ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बेटी को ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। और उनकी शर्त ये थी कि मैं ससुराल जाकर 5 दिन तक अपने पति के कमरे के बाहर नौकरानी के साथ उसके कमरे में सोऊंगी। मेरे पापा ने जब उनकी ये शर्त सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बस इस समय मेरी बेटी को रुखसत करके ले जाइए। अगले दिन वो मुझे रुखसत करके मेरे ससुराल ले गए। ससुराल में कदम रखते ही मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें अपने पति के साथ नहीं रहना बल्कि 5 दिन तक हमारी नौकरानी के साथ रहना है। नौकरानी मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई और परेशान थी। जब मैं नौकरानी के बिस्तर पर लेटी तो मुझे महसूस हुआ कि उसका बिस्तर बहुत ठंडा था, लेकिन मैं उस समय बहुत ज़्यादा थकी हुई और परेशान थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं लेटने के साथ ही सो गई। जब सुबह मैं उठी तो मैंने नौकरानी से पूछा, तुम्हारा बिस्तर इतना ठंडा क्यों है? उसने मुझसे कहा, आप बहुत भोली हैं, 5 दिन बाद आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे ही 5 दिन पूरे हुए, मेरी सास फूलों का हार लेकर मेरे पास आई। जान तो मेरी तब निकली जब, मेरा नाम समायरा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, हम एक बहन 2 भाई हैं। मैं घर में छोटी थी, मेरे पापा की मिठाई की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी, और मेरे पापा के दोस्त यानी अंकल जो हमारे घर से थोड़ी दूर रहते थे, उनका हमारे घर में बहुत आना जाना था। वो मुझे अपनी बेटी ही मानते थे, पापा उन पर बहुत भरोसा भी करते थे। पापा की दुकान से हमारा गुजर बसर अच्छा होता था। मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और वो जॉब करते थे। मैं अपने परिवार में बहुत खुश थी। हमारे परिवार में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी कोई बहन नहीं थी, लेकिन मुझे कभी बहन की कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि मेरी भाभियों ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरी बहनों की तरह रखा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती थी। मेरे भाई जब भी मार्केट जाते मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आते थे और मुझे अपने साथ घूमने भी ले जाया करते थे। मेरे भाई और भाभी मेरे बहुत नखरे उठाते थे।
जब भी मैं कोई फरमाइश करती, मेरे भाई फौरन ही पूरा कर दिया करते थे। मेरी माँ भाभी से कहती, तुमने इसको बहुत सर पर चढ़ा रखा है, ससुराल जाएगी तो इसके नखरे वहाँ कौन देखेगा। इस पर भाई कहते कि आप फिक्र ना करें, हम इसके लिए ऐसा दूल्हा ढूंढेंगे जो हर समय इसके नखरे देखेगा और लाड भी उठाएगा। पापा हमारी बातें सुनकर मुस्कुराते। मेरे पापा माँ को मेरी शादी की फिक्र लगी रहती। वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मेरी भी शादी हो ताकि वो अपने फर्ज से बरी हो जाएं। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। हालांकि मुझमें कोई कमी नहीं थी, खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। हमारे घर के हालात भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। कहीं माँ पापा को लड़का पसंद नहीं आता था तो कभी किसी लड़के वाले को मैं पसंद नहीं आती थी। कभी दोनों तरफ से पसंद आ जाते तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि बात वहीं ख़त्म हो जाती। मेरे भाई मेरी माँ को समझाते कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब टाइम आएगा तो शादी भी हो जाएगी और आप चिंता क्यों करती हैं, हम हैं ना उसके भाई, समायरा का रिश्ता एक अच्छे लड़के से तय करेंगे। मेरी माँ का कहना था, लड़की की सही उम्र में शादी हो जाए तभी अच्छा होता है, कहीं ऐसा ना हो अच्छे समय के इंतज़ार में हमारी बेटी घर पर ही बैठी रह जाए। माँ पापा यही सोच सोच कर परेशान होते रहते। पंडित जी से घर में पूजा भी करवाई और मुझे व्रत भी रखवा लिए गए थे ताकि मेरी शादी जल्दी हो जाए, और आखिर भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और मेरे लिए एक रिश्ता आया जो मेरे माँ पापा को बहुत पसंद आया, और मेरा रिश्ता वहीं पक्का हो गया। कुछ महीनों के बाद मेरी शादी तय हो गई। सभी घर वाले शादी की तैयारियों में लगे, क्योंकि मेरी शादी में समय बहुत कम था और सबको बहुत सारी तैयारी करनी थी। मेरे भाई चाहते थे कि मेरी शादी में किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी। सभी लोग मेरी शादी से बहुत खुश थे, माँ भी मेरी बलाइयाँ ले रही थी। शादी से एक हफ्ता पहले ही मेहमानों का आना शुरू हो गया। हर बड़े पापा और उनकी फैमिली भी रहने के लिए आ गए थे। हर समय घर में रौनक लगी रहती थी, कभी कोई ढोल बजाता तो कभी कोई डांस करता, कब दिन निकलता और कब रात हो जाती पता ही नहीं चलता। मोहल्ले की सारी औरतें आकर माँ के पास बैठ जाती और शादी के गीत गाने लग जाती। माँ पापा भी घर की रौनक देखकर बहुत खुश थे। मेरे दोनों भाई और भाभियाँ हर समय मेरे पति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाती रहती। मैं उनकी बातें सुनकर शर्मा जाती, कभी कभी तो मैं उनसे झूठ मूठ का नाराज़ हो जाती, और फिर सब लोग मुझे बहुत प्यार से मनाने लगते। कभी कभी मैं ये सोचकर रोने लग जाती कि अब मुझे अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाना होगा, पता नहीं मेरा ससुराल कैसा होगा, मेरे ससुराल वाले और मेरा पति मुझे इतना ही प्यार करेंगे या नहीं। मेरे रोने पर सब लोग परेशान हो जाते और मुझे चुप कराते। मेरे भाई मुझसे कहते, अगर तुम्हारा पति तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं उसके कान खींचकर उसे लाइन पर ले आऊँगा। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगती। उस समय मेरे ससुराल वालों से मेरे पापा की लेन देन के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। मेरी शादी होटल में हो गई और मेरे ससुराल वाले अपने घर वापस चले गए, हम भी अपने घर वापस आ गए। अगले दिन मेरी विदाई थी। घर आने के बाद सब भाइयों ने मस्ती करने का प्लान बनाया और रात भर डांस किया। मेरी माँ और भाभी किचन में मेहमानों का खाने का इंतज़ाम कर रही थी। मेरे भाई भी कामों में लगे हुए थे, मैं भी बहुत इंजॉय कर रही थी। तभी कुछ लोग चेहरे पर मुखौटा लगाए हुए हमारे घर के अंदर आए। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। उन्होंने आते ही सब लोगों को काबू में कर लिया, औरतों और बच्चों को एक तरफ बिठा दिया। उनके हाथों में हथियार थे इसलिए उनसे कोई कुछ कह नहीं सका। उनसे कोई कुछ कहता तो वो कहते, चुप रहो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। उन्होंने मर्दों और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया था और औरतों को एक कमरे में बंद कर दिया था, और मेरे दहेज का सारा सामान लूट कर चले गए। ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी ने सब कुछ बता कर भेजा है। उन्हें सब कुछ पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी ज्वेलरी भी निकाल ली जो कि आज ही पापा ज्वेलर्स के यहाँ से लेकर आए थे। उन्होंने सिर्फ मेरे दहेज का सामान लूटा, बाकी किसी सामान को हाथ नहीं लगाया। मेहमानों का भी बहुत सारा सामान रखा था लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को देखा तक नहीं। घर में मेरी ज्वेलरी के अलावा भाभी और माँ की ज्वेलरी भी रखी थी लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी ज्वेलरी ही लूटी। कुछ समय पहले जो लोग नाच रहे थे
खुशियों का माहौल था। अब सब मातम में बदल चुका था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये अचानक क्या हुआ। सब लोग हैरान और परेशान थे। पापा ने अपने हाथ खोले और बाकी लोगों को भी कमरे से निकाला। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से पाई पाई जोड़कर मेरे लिए दहेज का सामान इकट्ठा किया था, लेकिन वो गुंडे सब कुछ लूट कर ले गए। पापा को बहुत ज्यादा सदमा लगा था, इसकी वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। माँ और भाई भी बहुत ज्यादा परेशान थे, सबका रो रो कर बुरा हाल था। मेहमान भी ये सब देखकर घबरा गए थे। जितने लोग थे उतनी बातें हो रही थी, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ और कहता। इसी बीच भाइयों ने कहा कि पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई जाए। पापा सदमे की वजह से हिल नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरे भाइयों ने उन्हें समझाया और पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। भाभी ने मेरे ससुराल वालों को फोन करके सब कुछ बता दिया। उनका कहना था कि हम पहले ही उन्हें सारी बातें बता देते हैं, ताकि कल जब वो लोग तुम्हें लेने आए तो उन्हें सब कुछ पता हो जाए। मेरे ससुराल वाले भी मेरे घर आ गए थे और वो बहुत अफसोस कर रहे थे। जब पापा और भाई पुलिस स्टेशन से वापस आए तो मेरे ससुर पापा से कहने लगे, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी सास कहने लगी, अब हम अपनी दुल्हन को खाली हाथ कैसे लेकर जाएंगे? लोग क्या कहेंगे कि कौन से खानदान में अपनी बेटी ब्याह कर लाए हो? दुल्हन दहेज में भी कुछ नहीं लाई, इसके माता पिता कैसे थे जो खाली हाथ रुखसत कर दिया? मेरे ससुर भी पापा से कहने लगे, मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है। किस किस को समझाते रहेंगे और कौन यकीन करेगा कि शादी के एक रात पहले ही दुल्हन के घर में डकैती हो गई? सब तो यही सोचेंगे ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो बिना रुके बोले ही जा रहे थे, उनकी बातें मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान थी। मेरे पापा ने उनके आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, अगर मेरी बेटी अपने ससुराल ना गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग तो यही सोचेंगे ना कि मेरी बेटी में कोई कमी होगी, तभी तो शादी होने के बाद ससुराल वाले उसे विदा कर नहीं ले गए, कौन इस बात पर यकीन करेगा। पापा बहुत ज्यादा रो रहे थे और उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे, रोते हुए उनके पैरों में बैठ गए। मुझे अपने पापा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे ससुर ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर तुम लोगों को मेरी शर्त मंजूर है तो मैं पूरी इज्जत के साथ तुम्हारी बेटी को विदा करके लेके जाऊंगा। पापा ने पूछा कि आपकी क्या शर्त है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद अगले 5 दिन तक तुम्हारी बेटी अपने पति के कमरे में नहीं, हमारे घर की नौकरानी के कमरे में रहेगी और वहीं उसके साथ सोएगी। उनकी शर्त सुनकर मेरे पापा और बाकी लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन इस समय पापा बहुत मजबूर थे, कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने मेरे ससुर की शर्त मान ली। अगले दिन वो लोग मुझे रुखसत करवा कर ले गए। सारे रास्ते में मैं अपने पापा के बारे में सोचती रही, कैसे मेरे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरे लिए पसंद का दहेज बनाया था और मुझे नसीब भी नहीं हुआ, उल्टा मेरे पापा को मेरे ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उनके आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े ताकि दुनिया वाले मुझ पर उंगली ना उठाएं। सिर्फ मेरी खातिर मेरे पापा ने उन लोगों के पैर पकड़ लिए थे। दुनिया वाले भी अजीब हैं, सही गलत देखे बिना ही फैसला कर लेते हैं और उसका सिला हम जैसी लड़कियों को भुगतना पड़ता है। हम लोग जैसे ही घर पहुंचे, मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हें हमारी शर्त तो याद है ना, तुम्हें 5 दिन तक हमारी नौकरानी के साथ सोना है। मैंने कहा, मुझे याद है। उन्होंने कहा, हम और कोई रस्म भी नहीं करेंगे, जितना अरमानों से हम तुम्हें इस घर में लेकर आना चाह रहे थे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, सब किए कराए पर पानी फिर गया, अब तुम्हें भी हमसे कोई उम्मीद नहीं रखने की ज़रूरत है, तुम हमारी नौकरानी के साथ उसके कमरे में जाकर आराम करो। उनकी ये बातें मुझे बहुत बुरी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों के सीने में दिल ही नहीं है। वो लोग मुझे तो ले आए थे लेकिन खुश नहीं थे, क्या दहेज ही सब कुछ होता है? लड़की की इज्जत ससुराल से दहेज से ही होती है, दुनिया वाले किसी की मजबूरी समझना ही नहीं चाहते। मेरे पापा ने पूरी कोशिश की थी कि वो मुझे बहुत इज्जत के साथ अपने ससुराल में भेजें, लेकिन मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। मैं अपनी आंखों के आंसू साफ करते हुए नौकरानी के साथ उसके कमरे में चली गई। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी।
मैंने अपने कपड़े बदले और उस नौकरानी के बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि उस नौकरानी का बिस्तर बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन मैंने उस समय उससे कुछ नहीं पूछा। वो नौकरानी दिल की बहुत अच्छी थी, मेरे लिए खाना लेकर आई और साथ में चाय और दवाई भी लेकर आई। उस नौकरानी ने मुझसे कहा, खाना खा लो और ये दवाई खा लो और सो जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, रात भर आराम से सो जाओगी तो तुम्हारी थकान भी उतर जाएगी। मुझे भी लगा शायद वो ठीक कह रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा खाना खाकर और दवाई खाकर सो गई। मुझे वो लड़की घर की नौकरानी नहीं लगती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे उसके बिस्तर के ठंडा होने पर बहुत हैरानी हुई। थोड़ी देर बाद वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई तो मैं उनसे पूछने लगी, तुम्हारा बिस्तर इतना ठंडा क्यों है? तो उसने मुझसे कहा कि आप बहुत भोली हैं, 5 दिन पूरे होने दो, आपको खुद सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई, वो कहीं से भी नौकरानी नहीं लग रही थी। उसकी बोल चाल, फिरना चलना किसी भी तरीके से नहीं लगता था कि वो इस घर की नौकरानी है। लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपनी परेशानी में थी। मुझे तो जैसे तैसे 5 दिन पूरे करने थे, 5 दिन तक मुझे एक कमरे में ही बंद रहना था, सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं ये सोचकर सब कुछ बर्दाश्त करती रही कि 5 दिन पूरा होने के बाद मैं अपने पति के साथ रहूँगी। इन 5 दिनों के अंदर मेरे घर से भी कोई नहीं आया था, सास ने साफ साफ मना कर दिया था कि जब तक मैं 5 दिन तक अपने कमरे में रहूँगी मेरे घर से कोई नहीं आएगा। मुझे इस कमरे में कुछ घंटे ही हुए थे, मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे ससुराल वाले तो मुझे इस कमरे में बंद करके भूल ही गए थे, किसी ने मुझे जाकर कुछ नहीं पूछा, बस वो नौकरानी ही मेरे पास खाना वगैरह लेकर आती थी और जब मैं उससे कुछ पूछती तो मुझे वो कोई जवाब नहीं देती और उसकी हंसी मुझे बहुत अजीब लगती। मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा हंसमुख थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई थी चुपचाप गुमसुम इसी कमरे में पड़ी थी। यहाँ तो मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं था, सब लोग भूल गए थे, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। एक बार तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उस नौकरानी से कहूँ कि मेरी सास को बुला दे और मैं उनसे कहूँ कि मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे इनकी कोई शर्त मंजूर नहीं है, अगर ये लोग मुझे अपने घर भेजना चाहते हैं तो भेज दे, मैं इनकी फालतू की शर्त मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन फिर मुझे अपने माँ बाप का ख्याल आ जाता कि वो मेरी शादी के लिए कितना परेशान थे, उन्होंने मेरी खातिर कितना कुछ बर्दाश्त किया, मेरे ससुराल वालों के आगे हाथ पैर जोड़े, तभी जाकर वो लोग मुझे अपने घर लाने को राज़ी हुए। अगर मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? अपने माँ बाप का सोचकर ही मैंने यहीं रहने का फैसला किया और सोच लिया था कि जैसे भी हो ये 5 दिन यहीं गुजारने हैं। जैसे ही 5 दिन पूरे हुए मेरी सास मेरे पास बहुत खुशी के साथ आई। आते ही उन्होंने मेरे गले में फूलों का हार डाला और खुशी से मुझे अपने गले लगा लिया। मुझसे कहने लगी कि मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। उनकी ये बातें सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैं पिछले 5 दिनों से इसी कमरे में बंद थी और इस 5 दिनों के भीतर न मेरे कमरे में कोई आया और ना ही मैं इस कमरे से बाहर निकली, सिर्फ वो नौकरानी ही मेरे कमरे में आई थी, वो भी मुझे खाना देकर चली जाती थी, उससे भी कोई बातचीत नहीं होती थी। पिछले 5 दिनों से मैं कमरे में किसी का आना तो दूर किसी ने झांका तक भी नहीं था, तो फिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? मेरी सास मेरे पति बैठे हुए थे, बाकी के ससुराल वाले भी वहीं पर थे, सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग मुझे देखकर हंस भी रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। अपनी सास की बातें सुनकर और यहाँ पर जो कुछ हो रहा था वो देखकर मेरी तो अक्ल हैरान हो रही थी। तभी मेरी सास मुझे मेरे पति के पास लेकर गई। उनके बराबर में एक औरत बैठी थी जो कि घूंघट में थी और उसके गले में भी बहुत सारे फूलों के हार पड़े थे और उसकी गोद में बहुत मिठाई और फल वगैरह रखे थे। ये सब देखकर मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया।
कि वो मेरी जगह किसी और औरत को कैसे बिठा सकते हैं। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा था। मेरी सास ने मुझे अपने पति के दूसरी तरफ बिठा दिया और सबसे कहने लगी कि देखो, इस लड़की के कदम हमारे घर के लिए कितने शुभ साबित हुए। जैसे ही इसने इस घर में कदम रखा, मेरे पति जो सालों से संतान के लिए तड़प रहे थे, उनको संतान का सुख प्राप्त हो गया। मुझे अपनी सास की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं वो सब कुछ क्या हो रहा था। इतनी देर में मेरी सास ने उस औरत का घूंघट खोल दिया जो मेरे पति के पास बैठी थी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि अपने पति की और इसकी पहली पत्नी की खूब खिदमत करो। मैंने जैसे ही उस औरत की तरफ नज़रें उठाकर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जो नौकरानी बनकर मेरे पास खाना लेकर आती थी, जिसके कमरे में मैं 5 दिनों से रह रही थी। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी और चक्कर खाकर गिर गई। मुझे इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो गई। उन्होंने मुझे उठाया और कमरे में लेकर चली। कुछ देर बाद मैं होश में आई और होश में आते ही मैं रोने लगी। वो मुझे रोता हुआ देखकर बहुत परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी कि आखिर तुम इस तरह क्यों रो रही हो। लेकिन मुझे उनसे कुछ बताया नहीं जा रहा था। मेरे मुंह में तो जैसे शब्द जम ही गए थे। वो मुझे बार बार पूछती रही कि क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है। इस पर मेरी सास बोली कि 5 दिन से कमरे में बंद थी ना, शायद इसी वजह से रो रही है। मैं हैरत से उनकी सूरत देखने लगी कि वो मेरी भाभी से झूठ बोल रही थी। मैंने उनकी बात काटकर अपनी भाभी को सब कुछ साफ साफ बता दिया कि उन्होंने झूठ बोलकर अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाई है। इनका बेटा तो पहले से शादीशुदा है। इनको किसी बाबा ने बताया था अगर वो अपने बेटे की संतान चाहती हैं तो किसी कुंवारी लड़की से इसकी शादी करके 5 दिनों के लिए कमरे में बंद कर दें, और जब वह कमरे में बंद हो तो कोई उसके कमरे में ना जाए सिवाय उसकी पहली पत्नी के। ऐसा करने से उनके बेटे को संतान की खुशी मिल जाएगी। ये सब बातें मुझे मेरी सास ने बताई थी जब वो मुझे अपने बेटे के बाप बनने की खुशखबरी सुना रही थी। मेरी भाभी ने मुझे तसल्ली दी और मेरी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। फिर मुझे वो घर वापस लेकर आ गई। मुझे ऐसी हालत में घर वापस आता देखकर जैसे तो हंगामा मच गया। सब लोग मेरे घर वालों को बातें सुनाने लगे और कहने लगे कि आपने अपनी बेटी को कहाँ ब्याह दिया, इतनी प्यारी मासूम सी बेटी है आपकी और उन लोगों ने इसकी क्या हालत बना दी। माँ बाप सब लोगों की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार पापा अपने आप को समझ रहे थे। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और आखिर क्यों। मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं सोचा, फिर आखिर भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। मेरी भाभी भी मुझे देखकर बहुत अफसोस कर रही थी। अभी ये सब हंगामा हो ही रहा था, मेरे भाई ने पापा को आकर बताया कि घर में पुलिस आई है। पापा पुलिस को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। पुलिस ने पापा को जो सच्चाई बताई उससे तो पापा और ज़्यादा टूट गए थे। पुलिस की खबर सुनते ही पापा के दोस्त यानी कि अंकल दबे पैर वहाँ से निकल गए। जब पापा ने पुलिस के सामने उनको बुलाया तो पता चला कि वो घर पर नहीं है। उस समय पापा ने पुलिस से कहा कि अभी उनके घर का माहौल ठीक नहीं है, हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। कुछ देर बाद वो खुद ही अंकल को लेकर उनके पास आ जाएंगे। पुलिस के जाने के बाद माँ ने पापा से पूछा कि वो अंकल को क्यों बुला रहे थे। पापा ने माँ से कहा जब वो घर पर आ जाएंगे तो पापा उन्हें सब कुछ बता देंगे। लगभग शाम के समय अंकल के आते ही अपनी पत्नी और बेटे से घर चलने को कहा। पापा ने उनसे पूछा कि वो पुलिस को देखकर घर से बाहर क्यों चले गए थे, जबकि उन्हें तो पापा के साथ ही रहना चाहिए था। पापा की बात सुनकर वो बात को घुमाने लगे और बहाना बनाने लगे। जब पापा ने उनसे पूछा और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो वो पुलिस को हवाले कर देंगे, तब वो डर गए और उन्होंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि उन्होंने ही हमारे घर में चोरी करवाई थी, वो भी मेरे ससुराल वालों के साथ मिलकर। और इतना ही नहीं, वो पहले से ही जानते थे कि मेरा पति शादीशुदा है
वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि मेरी सास को एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो कुंवारी हो। उनकी बातें सुनकर तो सब लोग दंग रह गए। माँ ने उनसे पूछा कि उन्होंने ये सब क्यों किया। तब उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए थे, लेकिन पापा ने उनसे साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उनके बेटे की आदतें ठीक नहीं थी। वो बचपन से ही गलत कामों में पड़ गया था, कोई उसे लड़की देने को तैयार नहीं था। अंकल को इस बात का बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि पापा उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने तभी ठान लिया था कि वो इस बात का बदला लेकर रहेंगे। वैसे तो उन्होंने पापा से कुछ नहीं कहा था और घर में ऐसे ही आना जाना रखा जैसे पहले हुआ करता था। इन सबके साथ हंसी खुशी रहने लगे और बाद में कभी अपने बेटे के रिश्ते की बात भी नहीं की। लेकिन वो मेरा रिश्ता कहीं और पर नहीं होने देते। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता था तो पापा लड़के की छानबीन की जिम्मेदारी उन्हें दे दिया करते थे, क्योंकि वो उन्हें अपना दोस्त नहीं बड़ा भाई समझते थे। पापा के सर दूसरी जिम्मेदारियां थी और मेरे दोनों भाई भी अंकल का हर हुक्म मानते थे। उनकी बहुत इज्जत करते थे, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। पापा भी उनसे लड़के की छानबीन निकालने के लिए कहते। वो कुछ ना कुछ गलत बातें लड़के के बारे में बता दिया करते थे और अगर कभी मैं किसी को पसंद आ जाती तो उस लड़के के घर वालों को मेरे बारे में उल्टी सीधी खबरें दे दिया करते थे, जिससे मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। जब इस लड़के का रिश्ता हमारे घर पर आया तभी पापा ने छानबीन की सारी जिम्मेदारी उन्हें ही दे दी। उन्होंने सब कुछ जानने के बाद इस रिश्ते को अच्छा बताया। मेरी सास ने उनसे सारी बातें साफ साफ बता दी थी। तभी उन्होंने प्लान बनाया कि वो शादी से एक दिन पहले ही मेरे घर में चोरी करवा देंगे और जब मेरे ससुराल वालों को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। उसी समय अंकल मेरे पापा से अपने बेटे का रिश्ता मांगेंगे तो पापा उनसे मना नहीं कर सकेंगे और उनका एहसान भी हो जाएगा कि उन्होंने उनकी और उनकी बेटी की इज्जत बचाई है। लेकिन मेरे ससुराल वाले उनसे दो कदम आगे निकले। उन्होंने ये रिश्ता नहीं तोड़ा और अंकल को धोखा दे दिया। उन लोगों ने पहले तो मेरे पापा को बहुत सारी बातें सुनाई और फिर एहसान जताई और वो शर्त रख कर ये रिश्ता रख कर लिया। अंकल बाद में मेरे ससुराल वालों के पास गए और उनसे कहने लगे उन्होंने ये सब क्यों किया। मेरी सास ने भी उन्हें बुरी तरह झाड़ दिया और धमकी देने लगी कि अगर उन्होंने कुछ भी मेरे पापा को बताया तो उनकी असलियत वो भी बता देगी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो खामोश रहे। पापा ने पुलिस से तो मना कर दिया कि वो अंकल को गिरफ्तार ना करें, ये हमारा घर का मामला है, हम इसे घर में ही निपटा लेंगे। लेकिन पापा ने अंकल से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। मेरी डिवोर्स दिलवाकर पापा ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। मेरा कोई इरादा नहीं था दूसरी शादी करने का। अभी सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाई थी, लेकिन मुझे माँ पापा की खातिर ये शादी करनी पड़ी क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती थी। पहले ही वो मेरी तरफ से बहुत परेशानी उठा चुके हैं और मेरी पहली वाली सास ने अपने बेटे की खुशी के लिए मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था। उन्हें भी बाद में पता चला कि उनका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। बाबा के कहने पर उन्होंने ये सब कुछ किया। वो भी धोखेबाज था और उनसे पैसे लेकर भाग चुका था। उसकी पहली पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था और मेरी दूसरी जगह शादी हो गई थी। मेरे दूसरे पति बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मैं बहुत खुश हूँ और अपने अतीत को भुला चुकी हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।